बलरामपुर के गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में नियुक्त एक महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक कोकिला के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें आत्महत्या का कारण पति का किसी और महिला से चक्कर बताया गया है। 2018 में नियुक्ति महिला सिपाही कोकिला यादव पुत्री जवाहरलाल यादव थाना गैंडास बुजुर्ग में कार्यरत थी। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मृतका एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ गई है जिसमें मृतका के पति का नाजायज संबंध किसी अन्य महिला से भी था जिसको लेकर आए दिन आपसी विवाद होता रहता था। बताया जाता है कि मृतका का पति विजय यादव विगत बुधवार 28 सितंबर को थाना गैंडास बुजुर्ग आया था जिसमें पति पत्नी की लड़ाई हुई थी। मृतका का पति विजय यादव आजमगढ़ के अतरौलिया थाने में कार्यरत है। दोनों पति पत्नी में कुछ कहासुनी किसी अन्य महिला को लेकर होती रहती थी जिससे अज्ञात मृतका ने अपने दुपट्टे से गले में फंदा लगाकर पंखे में लटक कर जान दे दी। सूचना पाकर मृतका के पिता जवाहरलाल यादव थाना गैंडास बुजुर्ग पहुंचकर FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मृतका के पिता के प्रार्थना के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बीती रात 1 बजे के बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना गैंडास बुजुर्ग में नियुक्त महिला आरक्षी जो कि 2018 बैच की है कोकिला यादव ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट द्वारा जांच की पाया कि एक सुसाइड नोट मौके से मिला। इस सुसाइड नोट में के अनुसार यह अंकित था कि उसकी शादी नवम्बर 2021 में विजय कुमार यादव जो कि आरक्षी के पद पर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में नियुक्त हैं के साथ हुई थी और उनका प्रेम प्रसंग किसी अन्य लड़की से चल रहा था। इस कारण दोनों पति पत्नी में विवाद भी हुआ। उस बुधवार को ये आरक्षी थाना गैंडास बुजुर्ग भी आया था तो उसके उपरांत कोई बात ना बन पाने पर मुझे लगता है कि उसने आत्महत्या की है। इस प्रकरण में धारा 306 IPC का अभियोग विरुद्ध विजय कुमार उपरोक्त किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।